हेलो फ्रेंड्स, इसी टू कुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे अपना पनीर बटर मसाला। जितना इसका नाम लंबा है, इसको बनाना उतना ही इजी है। आज हम आपको बहुत ही सिंपल मेथड से इसको बनाना सिखाएंगे। इसके अंदर आज हम एक छोटा सा ट्विस्ट करेंगे। हम इसके अंदर आज अपना काजू का पेस्ट नहीं डालेंगे, जबकि काजू के हम इसमें पीसेस करके डालेंगे। जब आप काजू के आप इसमें पीसेस डालेंगे, तो जब मसाले के साथ उसकी भुनाई होती है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। काजू की एक जो नेचुरल स्वीटनेस होती है, मसालों के साथ भुनकर उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पनीर की सॉफ्टनेस और काजू का आप जब टुकड़ा उसके साथ खाएंगे, तो आपको बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेंड्स, आप पनीर की इस रेसिपी को, पनीर बटर मसाला को, आप नान के साथ, कुलचे के साथ, या आप अपना तंदूरी फुल्का, पराठा, किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, जिसको बारीक काट लिया है, दो हरी मिर्ची, एक इंच अदरक का टुकड़ा और दो कलियां लहसुन की लेकर और दो टेबलस्पून पानी डालकर हमने इसको बारीक पीस लिया है। तीन टेबलस्पून हम यहाँ बटर लेंगे। आप कोई भी बटर इस पे यूज कर सकते हैं। ये बटर हम दो पार्ट में यूज करेंगे। दो टेबलस्पून हमारी फ्रेश क्रीम है, आप इसकी जगह घर की मलाई भी यूज कर सकते हैं। 5 से 7 काजू हैं, जिसको मैंने छोटा और मोटा काट लिया है। 1 टेबलस्पून हमारी चीनी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 2 मीडियम साइज प्याज जिसका बारीक पेस्ट बना लिया है, और 3 मीडियम साइज टमाटर, इसका भी बारीक पेस्ट बना लिया है। 150 ग्राम पनीर, ये हम होममेड पनीर यूज कर रहे हैं, और 2 सर्विंग स्पून हम ऑयल यूज करेंगे। मसालों में हमने 1 टीस्पून हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 चुटकी हींग, 1 टीस्पून जीरा, 2 सूखी हुई लाल मिर्ची, 2 लौंग, 4 साबुत काली मिर्ची और 1 इलायची। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब आप देख सकते हैं, हमने अपनी कढ़ाई रख ली है, उसके अंदर अपना 2 सर्विंग स्पून ऑयल डालकर गरम कर लिया है। इसके अंदर अब हम अपना ये हाफ बटर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। बटर भी हमारा मेल्ट हो गया है। अब इसके अंदर हम सबसे पहले अपने खड़े मसाले डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अपनी 2 सूखी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे, 1 इलायची और अपनी ये लौंग और काली मिर्च भी डाल देंगे। 1 मिनट के लिए चलाएंगे। आप जब भी अपने खड़े मसालों को भूने, तो हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही उनको भूने, जिससे उनका अरोमा अच्छे से ऑयल के अंदर आ सके, क्योंकि अगर तेज फ्लेम पर भूनते हैं तो उनका अरोमा अच्छे से नहीं आ पाता है। अब हमारे ये खड़े मसाले भी भून गए हैं। अब इसके अंदर अब हम अपना जीरा डाल देंगे, हींग डाल देंगे और फिर से 1 मिनट के लिए चला लेंगे। जीरा थोड़ा सा लाल हो जाए, हमारा जीरा भी हल्का लाल हो गया है। अब इसके अंदर हम अपनी प्याज डाल देंगे। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये प्याज अच्छे से भून गया है। अब इसके अंदर हम अपना अदरक, हरी मिर्ची और लहसुन का जो हमने ये पेस्ट बनाया था, इसको भी डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हमारा प्याज और अदरक लहसुन का जो हमने पेस्ट डाला था, वो भी अच्छे से भून गया है। गैस की फ्लेम को अब हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और अब हम इसमें अपने मसाले डाल देंगे। सबसे पहले हम इसमें अपना हल्दी डाल देंगे, नमक और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। और अब इसको हम चला लेंगे। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको चलाएंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे, जिससे हमारा मसाला ना जल जाए। अब इसके अंदर हम अपना ये टमाटर की पेस्ट डाल देंगे। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को अब हम फुल कर लेंगे।
टमाटर डालकर भी हमने बस इसको 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं, इसके अंदर अब हम अपने काजू डाल देंगे। अब इसको हम बस 1 मिनट और हमने इसको चला लिया है। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। अब हम अपना कढ़ाई का ढक्कन उतार कर देख लेंगे। गैस की फ्लेम को फुल कर लेंगे और इसको चला लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है, इसके अंदर हम अपनी जो ये चीनी है ये भी डाल देंगे और अपनी क्रीम भी डाल देंगे। और इसको अच्छे से चला लेंगे। अब फ्रेंड्स हम इसके अंदर फाइनली अपना ये पनीर डाल देंगे। अपनी कसूरी मेथी डाल देंगे, इसको हाथ पे रब करके डालेंगे। अपना जो ये बचा हुआ बटर था ये भी डाल देंगे। और ये जो गरम मसाला है ये भी डाल देंगे और इसको अच्छे से हम एक बार फिर से चला लेंगे, जिससे हमारे सारे मसाले हमारे पनीर के ऊपर अच्छे से लग जाए। इसको हम इस स्टेज पर 1 से 2 मिनट के लिए और ढक के रखेंगे। गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे, जिससे हमारे सारे मसाले का जो टेस्ट है वो पनीर के अंदर आ सके। 1 से 2 मिनट हो गए हैं, हम अपना कढ़ाई का ढक्कन उतार देंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसमें से अच्छे से ऑयल भी निकलने लगा है। अब हमारा ये पनीर बटर मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और थोड़ा सा हम गार्निशिंग के समय पर डालेंगे। इसको एक बार चला लेंगे। इस समय इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है सारे मसालों की, बहुत ही बढ़िया फ्रेग्रेंस आती है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हमारा पनीर बटर मसाला कितनी जल्दी से बनकर तैयार हो गया है। गैस को ऑफ कर देंगे और इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा ये पनीर बटर मसाला बनकर कितनी जल्दी से तैयार हो गया है। इसको आप अपने फुलके के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ या पूरी के साथ आप खा सकते हैं। इसको बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। इसको हम अब थोड़ा सा ये काजू के साथ गार्निश कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो आप गार्निश कर सकते हैं, अदरवाइज आप अवॉइड भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।